कोतवाली में खड़े वाहनों की हुई नीलामी। जालौन माधोगढ़ कोतवाली परिसर में खड़े लावारिस दो पहिया व चार पहिया वाहनों की नीलामी बुधवार को कराई गई। नीलामी के दौरान बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, लेकिन बोली के दौरान कानपुर देहात के मोहम्मद इकबाल ने सबसे अधिक नीलामी की कीमत लगाकर अपने नाम कर लिया। बुधवार को कोतवाली परिसर में लंबे समय से खड़ी लावारिस वाहनों की नीलामी की गई। नीलामी के लिए 0159 वाहन चिन्हित किए गए थे, जिनके लिए बुधवार को बोली लगाई गई। बोली शुरू होने से पूर्व थाना प्रभारी अजय कुमार अवस्थी ने नीलामी की कीमत निर्धारित की थी। एक साथ समस्त गाड़ियों की नीलामी कराए जाने की बातें लोगों को बताई थी, जिसमें से सबसे अधिक बोली मोहम्मद इकबाल निवासी कानपुर देहात ने लगाकर सभी 58 दो पहिया व एक सेंट्रो कार आदि वाहनों को अपने नाम करा लिया। बोली की अंतिम कीमत 2,51,500 पर खत्म हुई। इन वाहनों को नीलाम कराए जाने की प्रक्रिया अंकित सभी वाहनों के मूल्यांकन की कार्यवाही सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय से पूर्ण कराई जा चुकी है। इस अवसर पर तहसीलदार सुशील कुमार, थाना प्रभारी अजय कुमार अवस्थी, अतिरिक्त इंस्पेक्टर ओम प्रकाश सिंह, SI धीरेंद्र कुमार पटेरिया, SI प्रेमचंद चौहान, SI गोकुल सिंह, SI सुनील कानूनगोई, अभिषेक मिश्रा, लेखपाल मंसूर खान, सुनील कुमार पुलिस, दीपक कुमार, जितेंद्र कुमार फौजी, राहुल कुमार, निशांत सिंह आदि मौजूद रहे।